हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज का टॉपिक है कैसे आप यहाँ पर ये है नोकिया का मोबाइल और इसमें आप डार्क थीम कैसे एक्टिवेट करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको सेटिंग ओपन करना है। आपके सामने ऐसे इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको डिस्प्ले पर क्लिक करना है एंड डार्क मोड का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख पाए डार्क मोड जो है एक्टिवेट हो चुका है, इस पर क्लिक कर देंगे ये ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ से आप डार्क थीम एक्टिवेट कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सेटिंग की बात करूँ तो यहाँ पर आपको पहले इसको ऑन करेंगे और यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट इसमें ऑन ऑफ करने का यस आपको ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर टर्न ऑन एट कस्टम टाइम का ऑप्शन मिला। यहाँ पर आप शेड्यूल कर सकते हैं किस टाइम आपको डार्क थीम एक्टिवेट करना है एंड यूज़ करना है। जैसे कि आप देख पाएंगे एक्टिंग यहाँ पर जो है एक्टिवेट का ये जो टाइमर है और यहाँ पर एंडिंग का टाइमर है, यहाँ से आप एंडिंग कर सकते हैं। ए एम पी एम यहाँ पर जो है आप सेटअप कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर सनसेट टू सनराइज की बात करूँ तो यहाँ पर सनसेट टू सनराइज भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर शॉर्टकट बात करूँ तो यहाँ पर शॉर्टकट तरीका भी होता है जिसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हो चुका है। अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था डार्क थीम सेटिंग एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।